तेजू, आज हमारे शो पे सोशल मीडिया का बाहुबली आ रहा है। तो मैं क्या करूं, टीवी एंकर की तरह बोलूं? वादा बामुलाइजा होशियार, ऐसा बोलने का क्या? नहीं ब्रो, मैं सिर्फ तुझे डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि कहीं उसकी यू नो फिट बॉडी देख के तुझे इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ना आ जाए। ऐसा कौन सा बाहुबली आ रहा है? किंग खान से ज्यादा रोमांटिक, आमिर से ज्यादा परफेक्ट और भाई जान से भी ज्यादा अट्रैक्टिव। वो देख। जय सोशल मीडिया, मैं सुमित बाहुबली, बाहुबली सोशल मीडिया के सभी जनता को मैं वचन देता हूँ कि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाते रहूंगा। ओ भटकती आत्मा, आ जा गले मिलने। सुमित आ जा यार। मेरा सिंहासन किधर है? इधर ही है, यहीं बैठ जा। मेरा सर दर्द हो रहा है। इतना बड़ा ताजमहल का मुकुट रखेगा अपने सर पे, तो सर ही दुखेगा ना, उतार उसको नीचे। ये लो। क्यों मुझे क्यों? इसे श्रद्धा से रखना, कहीं चोरी ना कर ले कोई। ठंडी लग रही है तेरे को? नहीं। कुछ तो चल रहा है। अच्छा एक बात बता, गले में तू इतनी भारी सांगली क्यों पहनता है? अरे ये मेरा स्वैग है, स्वैग 50 तोला। तू करता क्या है? मेरा बिजनेस है, मेंसवेयर शॉप है। इसके अलावा मैं डांसिंग, एक्टिंग ये सब चीजें करता हूँ, मेरा जो टैलेंट है। और लोगों को एंटरटेनमेंट करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ। तो फिर तेरा डेली का रूटीन क्या है? मेरा डेली का रूटीन, मैं 9 बजे से रात तक 9 बजे तक शॉप पे रहता हूँ। कहाँ का शॉप है? मेरा मेंस वेयर शॉप है, कपड़े का, जींस पैंट शर्ट टी शर्ट। अपने शॉप से आप पहन के आए हो आज? हाँ। क्या बात है, अलग ही एंटरटेनमेंट एकदम। अच्छा, एंजॉय करके बताना। ओके, जो मैं जो करता है वो करके दिखा। डांस बताता हूँ आपको मैं। क्या बात है यार, मूव्स क्या है इसके? ओह माय गॉड, ये टू हॉट, टू हॉट। लगता है आज ये श्रद्धा को पटा के जाएगा। पट गई मैं, पट गई। कुछ पता है मेरे बारे में? आपके बारे में किसे नहीं पता। तो अरे ये पता है कि मैं भी कपड़े ही बेचता था। क्या बात कर रहे हो यार, मेरा भी वही बिजनेस है यार। हाँ, एक नंबर। तो एक काम कर सुमित। हाँ हाँ, मैं अभी तेरे को कुछ देता हूँ, तू श्रद्धा को बेच। ओके। कपड़े बेचेगा? ओके ओके ओके। एक नंबर, एक नंबर। क्या एंटीक पीस है, वाओ। क्या हॉट दिख रहे, वाओ। यस यस, ये चड्डी लो, चड्डी 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 चड्डी, कॉटन चड्डी। एक पे दो फ्री। एक पे दो भैया, पर ये पहने हुए लग रहे हैं किसी के? नहीं मैडम, एकदम सॉफ्ट कपड़ा है मैडम, कॉटन का जींस है। एक के ऊपर एक चड्डी फ्री है मैम, बहुत ही अच्छी, इलास्टिक और स्ट्रेचेबल है। ओनली 30 रुपीज में मैम, एक के ऊपर एक फ्री मैम। ठीक है 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 ठीक है। मान गए, मान गए भाई, मान गए। तूने कभी कोई लड़की के साथ सपने में कुछ कुछ रकमा किया है? ए, लड़कों की बात है। ए, रुक जा, ए काकरोच, हेलमेट साला, हेलमेट। ए इधर आ, ए छमिया इधर आ, ए छमिया इधर आ, ए तू वही खड़ा रह, अतरंगी आदमी वही खड़ा रह, ए इधर बैठ, रुमाल रख, मैं पैसे निकालो सब। ए हंस क्या रहा? इधर आ, ये मारो इसको, मारो। अरे यार, ये क्या प्रैंक कर रहा था हम लोग के साथ? हमारे शो पे करना तू, ये सब तो अपनी वीडियो में करना। चल अभी तू इधर बैठ के सुन। इधर ही बैठने का? बैठ, तेरे से कुछ बात करेंगे, बैठ। साला मेरा ही पंच मेरे ऊपर फेंक दिया। स्क्रिप्ट दबा का। तो कैसा लगा तेरे को हमारा? दांत मत दिखाना, चुपचाप बैठे रहना, ठीक है? हाँ, अब ये बता कि अभी तू चाकू ले ही आया है तो थोड़ा मेरा काम ही कर दे यार, है? फ्रूट काट दे, भूख लगी है। तू अच्छे से फ्रूट काट के बैठ के खिला। असली चाकू भी आ गया, नकली के बाद में। तू करता क्या है?
मैं वही करता हूँ जो आप कर नहीं पा रहे। कॉमेडी। अरे क्या बात, वही बात जो अभी बोला। मेरे जैसा काम कभी करके बता तो मान जाऊंगा। तो ये राह चलते लोगों को तंग करने के अलावा और क्या करता है? नहीं गलत बोल रहे हो आप, लोगों को मैं परेशान नहीं करता हूँ। पता है जब तो क्या एक है? बंदा परेशान होता है ना, हाँ। उससे लाखों लोगों के चेहरे पर हंसी भी आती है। वाह यार क्या तो बात, वो चीज भी नोटिस करो आप। उनकी फैमिली कैसा रिएक्ट करती है मतलब इतना होने का? यार अगर इतना नाम हो रहा है और इतना फैम इतना पसंद कर रहा है तो ऑब्वियसली यार उन लोगों को अच्छा तो लगेगा। एक समय ऐसा था, पता है आज से एक साल पहले की बात बताता हूँ, जब मैं सोशल मीडिया पे कुछ करने की कोशिश कर रहा था तो मैंने यूट्यूब पर वीडियोस बनाना चालू कर, 10 वीडियो से ऊपर हो गए, 5,000 सब्सक्राइबर। ओ क्या बात, 10 से 15 वीडियो हो चुके थे। और ये मान लो एक वीडियो शूट करने में पूरा एक दिन खत्म हो जाता था, उसके बाद रात एडिटिंग में लगती थी, एडिटिंग भी मैं खुद करता था। कंटेंट में जो क्रिएटिविटी लाते थे वो तुम खुद से करते थे? ये क्या होता है ना, जैसे आप मेरा फ्रेंड हो, ये मेरा फ्रेंड है, आप मेरा फ्रेंड हो, हम लोग बैठे हैं यहाँ पर ये चाय पीने के लिए, तो बहुत सारी मस्ती होती है, उसके बीच से कंटेंट निकलता है। कभी कभार हम लोग है ना एक जैसे फाट के ऊपर एक बार बात छेड़ देती हूँ। फाट के ऊपर तो उसपे कम से कम हम लोगों ने 20 कंटेंट निकाल लिए थे कि भाई तेरा बता तू, तेरा क्या एक्सपीरियंस है। स्टेप से हम लोगों ने इतने कंटेंट निकाले उसके ऊपर। हम लोग घर वालों का मतलब कैसा रिएक्शन रहता है जब ये फाट वाली वीडियो देखते है? मम्मी पापा क्या बोलते हैं? क्या होता है ना कि आपकी फैमिली कम रिएक्ट करती है, लेकिन जब उन लोगों के पास खबर उड़ते उड़ते फिर आती है और वो कुछ और ही बन के आती है ना, मतलब और से आता। तो क्या होता है ना फिर बहुत इस टाइप से प्रॉब्लम हुई। इसके बाद तो भाई फैमिली की टेंशन मत लिया, अगर ज्यादा करे ना तो हिस्सा मांग लेने अपना। यार फैजू भाई देखो, मैं ना एक दो बार अपने फैमिली की बात कर लिया, फैमिली को क्यों बीच में ला रहे हो यार? ठीक है ना, अभी आपने मेरे ऊपर एक बार प्रैंक कर दिया ना, हो गया ना दो बार, एक बार आपने फैमिली का बोल लिया। मगर फैंस लोग कैसे रहते पता है ना, मेरे कमेंट पे ना 100% लोग ये कमेंट करते हैं कि आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन है, कि आज आप तो क्या थे और कमेंट आती होगी ना आपका नहीं तो आप वैसे कंटेंट बना रहे हो तो आप लेवल पे आ गए हो ना। अरे तो लेवल कुछ नहीं होता, मुझे नहीं बताना ना मेरी फैमिली के बारे में। तो मगर इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे भाई? फैमिली फैमिली क्या, दो बार फैमिली के बारे में हो गया यार, बंद करो, दो मिनट के लिए बंद कर दो यार भाई साहब, है ना? तो गुस्सा मत। अरे पर अब मन ही नहीं हो रहा ना शूट करने का। अरे पर ऐसे थोड़ी होता है यार, ये तरीका नहीं है ना बात करने का। हमने आपको यहाँ बुलाया है, हम आपसे कैसे बात कर रहे हैं मतलब, और आप हमसे कैसे बात कर रहे हो? बहुत हो गया है यार, मैं नहीं कर पाऊंगा शो। अरे मजाक भी है तो एक लिमिट में होता है ना मजाक यार। अरे वो राइटर है शो के, चलो कोई नहीं, मैं खुद भी मजाक कर रहा था आप लोग। वो अभी आप समझ जाओगे। चलो बस खुश है अब तू, हिसाब बराबर, अब तुम काटोगे, अब तुम काटोगे, अब तुम काटोगे मेरे लिए भैया। भाई जहाँ टैलेंट है वहाँ पे कदर है भाई। क्या बराबर, मान गया मान गया मान गया, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तेरे फैन हो गए आज। बस और क्या चाहिए मेरे को। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग दोनों में से दमदार कौन है? मैं हूँ। बॉडी कितनी जबरदस्त है भाई, एक ऑनेस्ट इंसान, उसने खुद बोल दिया मैं हूँ। श्रद्धा जी आई लव यू। अब होश में आ जा, वो वेस्ट लाइन है और तेरी तो लाइन ही वेस्ट है। मेरी बात मानो जान, अगर मैं इंद्री को रेसलिंग में भी हरा सकता हूँ, इंडोनेशिया से बेस्ट हूँ मेरी जान, रेसलिंग में भी हरा सकता हूँ। यस क्या बात है, यस ब्रो। अच्छा चल मैं तेरे साथ डेट पे जाऊंगी, पर एक शर्त है। ओके बताओ। तू और इंदौरी को पुशअप चैलेंज में हरा के दिखा। ओके डन। वाह यार चलो डन।
हमारे सामने सब बात है कॉन्फिडेंस जा रहे अभी से झटके लगे चलो आओ कम ऑन कम ऑन कम ऑन सुमित उठ जा कम ऑन 1 2 3 गो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 क्या बात है अभी तो मैं आती हूँ रुक रुक क्या यार तालियां बजाओ यार तालियां बजाओ सुमित जैन के लिए तालियां बजाओ मेरे साथ डेट पे जाना था ना यस ये ले सारी डेट मेरी ओ जा हजूर मत कर ये देख डेट का मतलब क्या है हजूर अब इसको खाना दिन बाद यार इंग्लिश मेरी डेट से सभी साथ में कर लेते फिर क्या करते अभी सभी साथ में कर लेते हैं डेट कर फिर क्या कर लेते अभी साथ में तो साथ में ही कर लेते भाई मैं मीठा नहीं हूँ बैठो 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 यार चलो यार बहुत मजा आई सुमित थैंक यू बहुत जिंदा दिल आदमी है तू थैंक यू बहुत एक्साइटेड आदमी है यार तू और रॉबिन यू आल्सो आर अ वेरी गुड स्पॉट आई थोड़ा अंदर से आई लोकी वेरी हेट यू Okay. जो आज ये तूने डरा दिया मुझे लेकिन बहुत मजा आया तूने बदला लिया अपना ठीक है चल इसी बात पे हाई फाई दे मुझे बहुत ही बढ़िया और बहुत मजा आया हम लोगों को आपके साथ थैंक यू हमारे शो में आने के और लिए आपसे ज्यादा मुझे मजा आया आपके शो में आना या मुझे भी मजा आया यार मेरी साथ बिल्कुल, में हम बिल्कुल, साथ बिल्कुल, में बिल्कुल बिल्कुल सभी को मजा आया होगा आया पुश अप मारे यार तूने मेरे लिए प्यार हो गया मुझे तो थैंक यू आई लव यू अभी प्रेम से बात करते हुए खजूर खाते हुए निकल जाओ अभी अपने को कुछ समझ में नहीं आया कि तुम लोग करते क्या हो ओके फिर मिलेंगे तो पूछेंगे लव यू बाय बाय चलो थैंक यू सो मच रूबिन थैंक यू सो मच बहुत चला गया थैंक यू